नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जागरण के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बिना ईंधन के पकने वाले जादुई चावल के बारे में बताऊंगा। आज तक आपने कई प्रकार के चावल के बारे में सुना होगा, लेकिन ये ऐसा चावल है जो ठंडे पानी में भी पक जाता है। इसे पकाने के लिए गर्म पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, ये कम से कम समय में पकता है। इसे जब ठंडे पानी में डाला जाता है, इसे कुछ समय बाद ही ये चावल पक जाता है। पहले इसकी खेती इंडिया में नहीं होती थी, लेकिन कुछ दिनों पहले से ही इसकी खेती अब बंगाल में हो रही है। पहले इसकी खेती मजूल द्वीप और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर की जाती थी, लेकिन अब जब बंगाल में इसकी अच्छी उत्पादन हो रही है, तो पश्चिमी बंगाल सरकार ने व्यावसायिक खेती में बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इस विशेष प्रकार की चावल की खेती जैविक खाद से होती है और वर्तमान में बंगाल के नदिया जिले में हो रही है। इस चावल की खेती करने वालों किसानों का ये कहना है कि पहले इस चावल का इस्तेमाल सैनिक किया करते थे, क्योंकि जब वो ड्यूटी पे होते थे तो वहाँ पे जो ईंधन था वो पर्याप्त मात्रा मिल नहीं पाता था, तो इसी चावल का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब इसे आम आदमी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चावल में विटामिन पाए जाते हैं वो प्रचुर मात्रा में है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रेप्टीन जैसे पौष्टिक आहार प्रचुर मात्रा में इसमें उपलब्ध है। ये जो चावल है मार्केट में 70 से 80 रुपये किलो में उपलब्ध है। इस चावल के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप कृषिजागरण.com पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जागरण के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर हम इस सप्ताह पहाड़ी इलाकों की बात करें तो फिर वहाँ पर रुक रुक के बारिश हो रही है और आगे के सप्ताह में बर्फबारी होने की भी आसार दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कोहरे के साथ शीत लहर का कहर भी जारी है और यह आगे भी जारी रहेगा। इसके अलावा दक्षिण भारत में मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 10 जनवरी को फिर से पहाड़ों पर प्रभावित होने वाला है, जिसके चलते 10 से 13 जनवरी के बीच में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में बारिश हो सकती है। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भागों में 12 जनवरी को बारिश देखी जाएगी। मध्य भारत की बात करते हैं तो मध्य भारत में लगभग सभी जगहों पर इस सप्ताह मौसम शुष्क रहने वाला है। छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में भी यह न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री तक नीचे जा सकता है। महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्सों में, पश्चिम मध्य प्रदेश में 11 जनवरी को रात में तापमान में पुनः बढ़ोतरी होगी, जिसकी वजह से हवाओं में फिर से शीतलहर का रुख जारी होगा। अगर हम पूर्वी भारत की बात करते हैं, जैसे कि वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और ये सब एरियाज हैं, वहाँ पे तो फिर घना कोहरा छाया रहेगा और उसके बाद वहाँ पे घना कोहरे के साथ बीच बीच में थोड़ी बहुत छुटपुट बारिश भी हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ हल्की धीमी गति से बारिश देखी जा सकती है। उत्तरी भागों में 1 से 2 स्थानों पर भी बारिश देखी जा सकती है। दक्षिण भारत के शेष स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक नीचे गिर सकता है, लेकिन उसके बाद पारा फिर से एक बार ऊपर आएगा, जिसके चलते फिर से वहाँ पर गर्म हवाएं चलना चालू होंगी और गर्मी के मौसम के आने की एक शुरुआत बन सकती है। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पशुओं के लिए कौन से चारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, इसीलिए पशुओं को वही आहार देना चाहिए जो कि उनकी सेहत के लिए काफ़ी तंदुरुस्त माना जाता है और जो उनकी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। वैसे तो पशुओं को अलग अलग तरीके का चारा दिया जाता है, जैसे पशुओं को हरी बरसीम खिलाई जाती है ताकि वे सेहतपूर्ण रहे, लेकिन उनको आज के समय में मक्खन घास भी खिलाई जा रही है। ये एक ऐसी घास है जो कि पशुओं के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी है और उनकी सेहत के लिए काफ़ी उपयोगी भी मानी जाती है। ये घास सर्दियों के मौसम में होती है और ये छोटी होती है। इस घास को खाने से पशुओं की सेहत काफ़ी अच्छी बनी रहती है, क्योंकि इस घास में कीट कम लगते हैं, इसीलिए अगर पशु इसका आहार और सेवन करते हैं तो उनको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। पंजाब और हरियाणा में ये मक्खन घास सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। इसके अलावा इसको 30 से 35 दिनों में बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है। मक्खन घास को खाने से न केवल पशु बल्कि अन्य प्रजाति के जानवर हैं उन्हें भी काफ़ी फ़ायदा होता है। मक्खन घास का जो बीज होता है वे 400 रुपये प्रति किलो बाज़ार में मिलता है, जिसे बड़ी आसानी से आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ये एक अलग किस्म का बीज होता है और इसको खाने से काफ़ी ज़्यादा पशुओं को फ़ायदा भी होता है। अगर आपको इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे कृषि जागरण पोर्टल पर जाकर
विजिट कर सकती हैं। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। और आज खबर आलू को लेकर। उत्तर प्रदेश सरकार चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के किसानों से 600 रुपए क्विंटल आलू खरीदेगी। जैसे ही केंद्र सरकार से इसे मंजूरी मिल जाएगी, आलू विभाग खरीदारी शुरू कर देगा। फिलहाल इसका प्रस्तावित मूल्य पिछले वर्ष की अपेक्षा 51 रुपए प्रति क्विंटल है। जानकारों के मुताबिक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक आलू का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश ही है। देशभर में पैदा होने वाले आलू का 35 से 38% हिस्सा यूपी में ही पैदा होता है। इसका समर्थन मूल्य 589 रुपये है, जबकि वर्ष 2017 में 458 रुपये प्रति क्विंटल ये तय किया गया था। अगर प्रदेश में आलू खरीद योजना की बात करें तो पिछले साल राज्य में आलू खरीद योजना के तहत किसानों के करीब 8000 क्विंटल आलू की खरीद हुई थी, जबकि वर्ष 2017 में 12,937 क्विंटल की खरीद हुई थी। दोनों ही सालों में आलू खरीद का लक्ष्य 1,00,000 क्विंटल रखा गया था, लेकिन आलू की सरकारी खरीद शुरू होने के दामों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदा सीधे किसानों को मिलेगा। कृषि संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अखरोट के फायदों के बारे में। अखरोट सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। अखरोट से अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। अखरोट में ओमेगा फैटी एसिड, सेलेनियम, आयरन, जिंक, विटामिन, कैल्शियम और आयरन जैसी पोषक तत्व होते हैं। अखरोट ब्लड में शुगर के स्तर को बनाए रखने का कार्य करता है। इसका सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी ज्यादा सहायक होता है। तो आइए जानते हैं अखरोट के फायदों के बारे में। दिमाग को तेज करता है अखरोट। अखरोट को खाने से दिमाग काफी ज्यादा तेज होता है और इसके सहारे मानसिक तनाव भी कम होता है। ये आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। त्वचा के लिए फायदेमंद होता है अखरोट। अखरोट का सेवन करने से त्वचा को फ्री रेडिकल से सुरक्षा मिलती है। ये आपकी त्वचा को निखार कर उसे बेदाग बनाता है। हृदय के लिए फायदेमंद। अखरोट हृदय को भी तंदुरुस्त और निरोगी बनाए रखने में काफी मददगार है। इसमें मौजूद ओमेगा और फैटी एसिड हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में काफी मददगार है। कोलेस्ट्रॉल बनाए रखता है। अखरोट का सेवन करने से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है, जिससे आप काफी ज्यादा फिट दिखाई देते हैं। अनिद्रा की समस्या को दूर करता है अखरोट। अखरोट खाने से आप सबसे ज्यादा फायदा यह है कि अखरोट अनिद्रा की समस्या को दूर भगाता है। वे आपके शरीर को पूरी तरह अनिद्रा दूर करने में काफी सहायक है। धन्यवाद। नमस्कार, कृषि जागरण के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जैविक खाद और उसके लिए दी गई सब्सिडी के बारे में। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग राज्य के किसानों को केचुआ वाली जैविक खाद बनाने के लिए अनुदान राशि दे रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने खेती में केचुआ खाद के इस्तेमाल का बढ़ावा करने के लिए कृषि विभाग को जिम्मा दिया है। इसके तहत सूबे के प्रत्येक गांव में केचुआ आधारित जैविक खाद बनाने की यूनिट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जानकारी के अनुसार कुल 1229 गांवों में इस तरह की यूनिट लगाई जानी है। कृषि विभाग ने 950 यूनिट लगाने के लिए प्राथमिक स्तर पर काम शुरू भी कर दिया है। कृषि विभाग के मुताबिक यूनिट लगाने में कुल 8000 रुपए की लागत आने का अनुमान है। इसके लिए कृषि विभाग की तरफ से किसानों को 6000 रुपए की सब्सिडी देने के लिए प्रावधान है। शेष 2000 रुपए का खर्च किसानों को स्वयं उठाना होगा। यूनिट में खाद तैयार होने के बाद किसान इस खाद का प्रयोग अपने खेत में करेंगे, जिससे फसल की पैदावार तो बढ़ेगी, साथ ही रासायनिक खाद के खर्च को भी कम करने में इससे मदद प्राप्त होगी। धन्यवाद।